विदेशी फ्लाइट थोड़ी वार मां थशे रवाना। फ्लाइट मांथी कोई वांधाजनक वस्तु नहीं मळी। वहीवटी तंत्रे राहतो श्वास आमुद्दे लीधो छे। जामनगर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारघीनुं निवेदन सामे आव्युं छे। फ्लाइट के सामान में वांधाजनक वस्तु नहीं मळी। गईकाले रात्रे 9 वाग्याथी अधिकारीओ हता स्टेन्डबाय पर। दिल्लीथी एनएसजीनी टीमे पण तपास करी हती। प्लेननी अंदर तथा प्रवासीओना सामाननी तपास करवामां आवी हती। जामनगर द्वारका अने मोरबीना एसपी पण स्थळ पर पहोंच्या हता। तमाम 244 प्रवासीओ रातथी एरपोर्ट पर सुरक्षित रखाया हता। गईकाले सांजे 6 वागे गोवा एटीएस ने आ धमकी भर्यो ईमेल मळ्यो हतो। ईमेल मळ्या बाद रात्रे जामनगर पर एमर्जन्सी लैंडिंग करवामां आव्युं हतुं। हवे कई शंकास्पद न मळता थोड़ी वार में विमान ने रवाना कराशे। મોસ્કોથી ગોવા જતી જે ઇન્ટરનેશનલ ચાર્ટર ફ્લાઇટ છે તેને જામનગરમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે, એમર્જન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે। આપણી સાથે કલેક્ટર સૌરભ પારઘી સાહેબ છે। સાહેબ, કયા પ્રકારની આખી ઘટનાક્રમ રહ્યો? કારણ કે જે પ્રકારે બોમ્બ મૂકવાની અફવા હતી, જે પ્રકારની વાત હતી, શું સત્ય સામે આવ્યું છે? સદનસીબે જે કાલે જે બોમ્બ થ્રેટની જે ઘટના એના હિસાબે જામનગરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવ્યું હતું, એ જે પ્લેન મોસ્કોથી જ ગોવા જતો હતો એમાં 244 જેટલા પેસેન્જરો હતા, ઇન્કલુડિંગ ક્રૂ। આ લોકોની ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કાલે કરાવી હતી, પણ એક્સટેન્સિવ સર્ચ ઓપરેશન જે આપણી બધી જ ટીમો એમાં પોલીસ છે, એટીએસ છે, આર્મી એરફોર્સ સાથે છેલ્લે એનએસજી પણ એમાં જોડાઈ હતી, અને આ બધાનું એક્સટેન્સિવ સર્ચ ઓપરેશન પછી વી કુડ ફાઉન્ડ નથિંગ। એટલે એમાં કંઈ સસ્પિશિયસ વસ્તુ જણાઈ નથી અને હવે જે ફ્લાઇટને ક્લિયર કરી દેવામાં આવી છે। સાહેબ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં જે પ્રકારનો આખો બોમ્બ મૂકવાની જે વાત સામે આવી હતી, આની પાછળ કોનું ભેજવું હોઈ શકે, કયા પ્રકારની કેવી રીતના માહિતી આવી હતી? દિસ ઇઝ ટુ અર્લી ટુ સે। એમાં ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશે અને એમાં જે પણ તથ્ય સામે આવશે એ લોકો એમાં પ્રોપર લીગલ એક્શન લેશે। તો આ ત્યાં કલેક્ટર સૌરભ પારઘી કે જેમનું જણાવવાનું છે કે જે પ્રકારની જે સમગ્ર માહિતી સામે આવી હતી તેને લઈને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું અને બાદમાં આ ફ્લાઇટ છે તેને જવા દેવામાં આવી છે, ને જે પ્રકારે આગામી જે આખું આ ઘટનાક્રમ રહ્યો છે તેની પાછળ કોણ ભેજા બાદ છે, કોની આ ઉપર છે, તેના અંગે પણ તલસ્પર્શી માહિતી મેળવી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। કિંજલ કરસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર। मॉस्को से गोवा जाने वाली फ्लाइट में बम रखा है, ऐसी खबर मिलने के बाद पूरा पुलिस तंत्र और सब लोग हरकत में आ चुके थे। तभी हमारे साथ जामनगर के एसपी प्रेम सुख ढिल्लो जी है। सर, किस प्रकार से ये बम होने की जो अफवाह आई थी सामने, किस प्रकार से पूरी रात भर चेकिंग चला? सर, 9:49 के ऊपर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग है वो जामनगर के अंदर हुई थी। उसके बाद में जो जामनगर पुलिस है उसके द्वारा टोटल 236 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे, उन सबको नीचे उतार के उनके अच्छे से चेकिंग और फिस्किंग की। उसके बाद में एनएससी की टीम है, एक अहमदाबाद से और एक दिल्ली से आई, उनके सहयोग से पूरे विमान के अंदर की और जो लगेज था उन सब की है वो डॉग स्क्वाड की टीम के माध्यम से है वो उनकी चेकिंग की गई और जो एक्सरे मशीन और दूसरे साधन थे उसके माध्यम से वो चेक की, कोई प्रकार की अवांछनीय चीज़ें वो नहीं मिली। सर, किस ये जो पूरा मामला था उसको पीछे से किसने हवा दी होगी, किस प्रकार से अभी आगे जांच चलेगी? जी, एक मेल आया था गोवा पुलिस के पास में, उसी मेल के आधार पर है वो इसकी चेकिंग है वो की गई है और वो आगे पूरा जांच का है वो विषय। क्या हो सकता है ये पूरे मसले में, क्योंकि पूरी रात भर पुलिस और एनएसजी पूरी सुरक्षा एजेंसी है इसमें जुटी रही है? जी, वो जो मेल आया उस मेल की पूरी है वो तकनीकी रूप से वो जांच की जाएगी, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, उसकी पूरी जाँच की जाएगी। प्रेमसुख ढिल्लो सर, जामनगर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पूरा जो हवाई अड्डा है उसको सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया था। पूरी रात भर यहाँ जो सुरक्षा कर्मियों है उन्होंने पूरा ये चेकिंग किया, कहीं ना कहीं बॉम्ब जैसी संदिग्ध वस्तु है वो नहीं लाई जा रही है, इसके लिए पूरा रात भर यहाँ ऑपरेशन चला और सुबह तक ये ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही कोई भी संदिग्ध वस्तु यानी कि बॉम्ब जैसी कोई वस्तु है वो नहीं मिली है। तभी एसपी प्रेमसुख ढिल्लो ने भी न्यूज एजेंसी से जिस प्रकार से बात की, ये पूरा मसला है, मसले के पीछे कौन है ये अभी छानबीन की जा रही है और आगे उसके पर कार्यवाही भी होगी। किंजल करसरिया, न्यूज 18, जामनगर, गुजरात।